सागर जिले के राहतगढ़ में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में नेमावर जनता हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। राहतगढ़ बस स्टैंड पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कैंडल लगाकर मृत लोगों पीड़ित परिवार को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम प्रभारी युवा कांग्रेस नेता वसीम खान ने इस पूरे हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग कही। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत गुड़िया जी युवा कांग्रेस के जो उनके आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में जो देवास में नेमावर में 5 सदस्य एक ही परिवार के उनके साथ 3 बच्चियों के साथ बलात्कार कर और 10 फीट नीचे गाड़ दिया गया। उसके बाद 2 महीने से प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि आपके जो BJP के विधायक हैं संजय शर्मा जी, उनके उसमें उनका सहयोग था कि एक ही दिन में उनको रिहा करवा दिया, उनसे पूछताछ भी नहीं गई। तो हम लोगों ने CBI की जांच की आज मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब होश में आना चाहिए। ऐसी घटनाएं आ रही हैं, आपके मंत्री बोलते हैं जाओ मर जाओ, शिक्षकों से बोलते हैं, बलात्कार की घटनाएं रोज़ सामने आ रही हैं। तो इसको रोकने के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है और अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।